नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का अपने शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा पूरा समाज एक ऐसी सुंदर चीज पर टिका हुआ होता है जो खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही भयानक भी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्यार की, और इस प्यार में कभी कभी बहुत ही संगीन जुर्म भी होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको ले चलता हूं इस कहानी की ओर और आप सबको रूबरू कराता हूं शशि और उसके पूरे परिवार से। शशि जो कि एक व्यापारी है और अपने काम के सिलसिले में पूरे देश में घूमता रहता है, उसकी प्यारी पत्नी वर्षा जो कि अपने बेटे राहुल के साथ घर पर ही रहती है। कुछ ही महीने पहले शशि के दूर का रिश्तेदार साकेत पढ़ाई के सिलसिले में शहर आता है और वो शशि के घर में ही रहता है। सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था कि तभी अचानक राहुल बेटा, तुम्हें पता है ना आज क्या है? आज क्या है बेटा? आज मम्मी और पापा की शादी की 10वीं सालगिरह है और हमें ना शाम को मिलके सेलिब्रेट करना है। पर पापा, घर तो डेकोरेशन नहीं है, मम्मी भूल गए क्या? बेटा, ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये सरप्राइज वाला है। और हाँ, हम दोनों मिलके शाम को मम्मी को सरप्राइज देंगे, क्यों? ठीक है ना? पर पापा, मम्मी तो हमेशा घर पे बैठी रहती है, तो हम डेकोरेशन कब करेंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं ना शाम को मम्मी को लेके घर से बाहर चला जाऊंगा। हाँ, तुम साकेत भैया के साथ मिलके घर को अच्छे से डेकोरेट कर लेना। क्या हुआ, क्या सोचने लगा? साकेत भैया मेरी मदद करेंगे क्या? हाँ बेटा, साकेत तुम्हारी मदद करेगा ना, मैं उससे बात करता हूँ। साकेत भैया पता नहीं अपने रूम में घंटों तक क्या पढ़ते रहते हैं, मेरे साथ खेलते भी नहीं है। बेटा देखो, ऐसा है, साकेत गांव से शहर में पढ़ने के लिए आया है, अब वो सारा दिन अपने कमरे में बैठ के पढ़ता रहता है, तो उसमें कौन सी बात हो गई? अच्छा शशि, ये बताओ कि तुम ये ग्रीन वाला जैकेट ले जाओगे या ब्लू वाला पैक कर दूं? अभी भी टाइम है और शिमला का मौसम ना बहुत मस्त है, तो कहता हूँ तुम भी चलो साथ में। मम्मी चलो ना, हम भी पापा के साथ चलते हैं। अच्छा, और पढ़ाई कौन करेगा, स्कूल कौन जाएगा बताओ? तुमको ना बहाना चाहिए स्कूल से छुट्टी लेने का। कैसे हो साकेत? जी मामा जी। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। अच्छा सुनो भाई, आज हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है, तो तुम राहुल की थोड़ी मदद कर देना। किस चीज में मामा जी? बेटा डेकोरेशन में थोड़ी सी मदद कर देना है, तुम्हारी मामी को सरप्राइज देना है, मैं शाम को तुम्हारी मामी को लेके घर से बाहर जाऊंगा, तो तुम घर को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर देना। ओके बेटा? ठीक है मामा जी, कर पाएगा। मुझे भी चाय चाहिए। पहले तुम बड़े हो जाओ, फिर चाय भी मिलेगी। भाई, मैं और राहुल थोड़ा सा टहल के बाहर से वापस आते हैं, और तुम्हें याद है कि नहीं भाई, आज हमें शाम को घूमने के लिए बाहर जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैं एक काम करती हूँ,
आप लोग चाय खत्म करो, तब तक मैं किचन का काम खत्म करके रेडी हो जाती हूँ। ठीक। राहुल चल जल्दी से केक लेके आते शशि कहाँ हो? मैं रेडी हो गई। राहुल बेटा तुम साकेत भैया के साथ घर पे रहना और कोई बदमाशी नहीं। हाँ हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ठीक है चले चल। साकेत भैया मैं डेकोरेशन का सामान ना अलमारी में छुपा के रखा है। हाँ चल 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 चल। शशि के घर में डेकोरेशन हो रही है। अरे युवराज, अरे युवराज, अरे यहाँ पर आओ, आजा 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 आजा। अरे देखो देखो देखो, शशि के घर में कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है। शायद किसी का जन्मदिन है। पापा, अब आप ही मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मुझे पढ़ना है ना। I'm sorry बेटा, मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हारे सीए के एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे? बस 4 दिनों से, और इस बार मुझे कैसे भी पास करना है। चलो बेटा पढ़ो। जो अरे इतना अंधेरा क्यों है? लगता बिजली चली गई। वर्षा तुम यहाँ रुको, मैं चेक करके आता हूँ। शशि तुमने फिर से बिजली का बिल नहीं भरा ना? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, हम दोनों चल के देखते हैं। चलो। हैप्पी एनिवर्सरी पापा एंड मम्मी। वाह। अच्छा तो तुमने इस नटखट के साथ मिलकर किया ये सब। हैप्पी एनिवर्सरी माय डार्लिंग बेबी। आपको भी। मम्मी बताओ, मैंने और पापा ने मिलकर केक लाया है। ओके, तो आप भी इस प्लान में शामिल थे हाँ? और मुझे पता ही नहीं चला। चलो भाई ठीक है, अब जल्दी से मिलके केक काटते हैं। हाँ, श्योर। बैठ बेटा।
साकेत तुम भी लो। सर पता नहीं मीडिया को इस बात का पता कैसे चल गया। अभी तो एक ही पत्रकार को पता चला है, दोपहर तक तो सबको पता चल जाएगा। जरूर डिपार्टमेंट से ही किसी ने टिप दी होगी। सर शशि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब क्या करें? शिमला तुम चल नहीं रही हो, मैंने सोचा शिमला का मौसम बना लो। क्या बात है, शादी के 10 साल बाद भी बड़े रोमांटिक हो रहे हो। अच्छा लगता है इस बार ज्यादा दिन जाने का प्रोग्राम है तुम्हारा। तो ले चलो ना मुझे अपने साथ। तुम क्या बोलते हो? फिर जाके रो मुझे छोड़ के। आ जाओ। हो रखना अपना, ठीक है? और चार्जर रख दिया मैंने, फोन चार्ज करना मत भूलना। हाँ बाबा। और पापा मेरे लिए गिफ्ट लाना मत भूलना, ठीक है? बेटा मैं सारे काम भूल सकता हूँ लेकिन तेरा ये काम नहीं भूल सकता है? तो चलो बाय बाय बेटा। बाय पापा। बाय, टेक केयर। बाय। चलो चलो बेटा स्कूल जाना है ना। हाँ। जल्दी से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। साकेत इतनी देर कर दी तूने आने में। अच्छा चल फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं मतलब मैं बाहर से खा के आया। पापा मेरी अकाउंट की किताब कहाँ है, कहीं देखी आपने? हाँ बेटा आता हूँ। सर पता नहीं मीडिया को इस बात का पता कैसे चल गया। अभी तो एक ही पत्रकार को पता चला है, दोपहर तक तो सबको पता चल जाएगा। जरूर डिपार्टमेंट से ही किसी ने टिप दी होगी सर। पर सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस केस को मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। जी सर। जैन सर।
तुम्हारा नाम साकेत है? जी सर। चलो ये पूरी कहानी ठीक से सुना। सर मैं 9 बजे सो जाता हूँ क्योंकि सुबह 6 बजे का क्लास होता है, और सुबह उठकर देखा तो ये सब। इन लोगों से क्या रिश्ता है तुम्हारा? सर शशि मामा मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। मैं कुछ महीनों से यहीं रह रहा हूँ, और आज सुबह मैं उठा तो मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने बहुत खटखटाया पर किसी ने खोला नहीं, तो मैं पीछे के दरवाजे से बाहर आया और बालकनी से कूद गया। मामी, 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 मामी। मामी। जब तुम बालकनी के रास्ते से नीचे उतर सकते हो तो फिर इसी रास्ते से ऊपर आकर ये सब भी तो कर सकते थे। तो तुम बालकनी के रास्ते से नीचे उतरे और नीचे विंडो से हॉल में चले गए। जी सर। और जब मैं हॉल में गया तब वहां कोई नहीं था, और फिर जब मैं ऊपर आया तब मामी, मामी उठो, मामी क्या हुआ, मामी, मामी, मामी उठो ना, मामी, मामी उठो ना प्लीज मामी। सर मैं बहुत डर गया था, और जब मैंने राहुल को बेड पर देखा, राहुल, राहुल उठ, राहुल, मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर सर वो नहीं उठा। राहुल, राहुल उठना, राहुल, सर वो मर चुका था सर। राहुल, साकेत, जब तुम बालकनी के रास्ते से नीचे उतर सकते हो तो फिर इसी रास्ते से ऊपर आकर ये सब भी तो कर सकते थे। क्यों? सर आप ये क्या कह रहे हो, मैं ये सब क्यों करूंगा, और वो तो मेरी मामी थी सर। मैंने ये सब नहीं किया सर, सच्ची मैंने नहीं किया। इस बात का पता हम जल्दी लगा। सर नहीं किया मैंने। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि साकेत ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए उस वक्त घर पे कोई और तो था नहीं, और ये संभव ही नहीं कि इतना सब हो गया हो और उसने कुछ सुना ही ना। दोस्तों कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता है, और जो हम नहीं देख पाते हैं वही सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। इस एपिसोड में हमने देखा कि
एक रात वर्षा और उसके बेटे राहुल का कत्ल हो जाता है और इस तरह से एक खुशहाल परिवार का अंत हो गया। कत्ल वाली रात वर्षा और राहुल के अलावा घर में सिर्फ साकेत था, इसीलिए पुलिस का पहला शक साकेत पर ही जाता है क्योंकि घर के सारे दरवाजे भी बंद थे। लेकिन साकेत अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। तो क्या पुलिस के द्वारा साकेत पर लगाए गए आरोप साबित हो पाएंगे या फिर और ही कुछ देखने को मिलेगा? सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारी अगली कड़ी में। नमस्कार। मैं तो मान ही नहीं सकता कि साकेत ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन अगर इसने ऐसा कुछ भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सर, उस घर में और खास करके टेरेस पर हमें कुछ पैरों के निशान मिले हैं जो ये बताते हैं कि वर्षा, राहुल, साकेत और शशि के अलावा भी किसी और का आना जाना था।